Hey guys, welcome back to my channel. I know it's been a long time since I have met you and I have made any kind of content for you. But now that I'm back, let's start it with a bang. So this is a vlog and my sister is going to get married soon. And I am throwing a bachelorette party for her. तो अभी हम थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे. यू विल सी मी डेकोरेटिंग द स्पेस दैट आई हैव एट माय प्लेस ओनली. एंड हम उसको डेकोरेट करेंगे. वी विल थ्रो अ स्मॉल पार्टी टू हर. थोड़े से फ्रेंड्स होंगे, थोड़ी सी मस्ती होगी. एंड यू आर गोइंग टू वॉच ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो. सो कीप अप विद अस एंड स्टे टिल द एंड. स्टे ट्यून्ड. लेट्स कैच अप. So I started with frills. These look amazing when put up on upon the wall. And मैंने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया था, पिंक का और ब्लैक का. सो वी हैड अ थीम ऑफ पिंक एंड ब्लैक. तो बहुत ही अच्छा लगा था. और मैंने फटाफट जल्दी जल्दी से फ्रिल्स लगाई थी. फिर उसके बाद एक छोटी सी दिक्कत हुई थी जो आपको पता चलेगा अभी इस वीडियो में. बस 2 मिनट वेट और. अच्छा, उससे पहले यू नो व्हाट, आई डिड ऑल ऑफ दिस ऑन माय ओन. मतलब बहुत थोड़ी डिफिकल्टी होती है जब आप खुद से कुछ करते हो, बिकॉज बार बार टेप लेनी है. यू कैन सी टेप कटा मैंने साइड में रखा हुआ है. मैं बार बार जाती हूँ, टेप लेती हूँ, फिर स्टक करती हूँ, फिर उसे चिपकाती हूँ अच्छे से. उसको देखना, अलाइनमेंट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट इट्स फन एज वेल. तो देखते रहो. तो अब छोटी सी दिक्कत पता है क्या हुई थी, कि फ्रिल्स तो लग गई, बट इसके बाद जो ब्राइड टू बी का बैनर आएगा वो उसको कैसे फुलाना है ये मुझे पता नहीं था. तो थोड़ी सी दिक्कत वाली काम था, बट पता चल गया था बाद में. पर पता कैसे चला था ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ. इसके लिए आपको कमेंट्स में मेरे को पूछना पड़ेगा, तो ही मैं बताऊँगी. और ये मैं यहाँ पर इनको फुला रही हूँ जल्दी जल्दी से. और अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है, मैं बाहर डेकोरेशन कर रही हूँ और मैंने अपनी बहन को रूम में बंद किया हुआ है, बिकॉज मेरे पास कोई और लोकेशन नहीं थी. वो मेरे साथ ही थी, वो पहले आ गई थी घर पे. बट आई समहाउ मैनेज्ड एंड आस्क्ड हर टू स्टे इन द रूम इटसेल्फ सो दैट आई कैन डेकोरेट. तो उसको पता था कहीं ना, मतलब पता ही था उसको कि उसके लिए बैचलरेट थ्रो हो रही है. बट द कैच इज कि उसको ये नहीं पता था कि उसकी बैचलरेट में आ कौन कौन रहा है. और ट्रेजेडी क्या हुई, कुछ कुछ लेटर्स में मैं इतना ज़्यादा अटक गई कि कितना भी मैंने फूंक मारा वो फूला ही नहीं. मतलब इतनी दिक्कत हो गई, मैंने कहा यार ये क्या है, क्या चीज़ है, इनको कैसे फुलाते हैं, यार क्या चल रहा है यहाँ पे. तो मैं स्ट्रगल कर रही थी, बट हो गया था. बट ठीक है, पता नहीं कैसी चीज़ें होती हैं. नाउ वी स्टार्ट विद पुटिंग ऑल दीज लेटर्स टुगेदर ऑन द वॉल एंड मेक द major thing of this vlog or the video, we can say that is bride to be. Thank you.
ग्लासेस डेकोरेट कर दिया है, इट इज़ द थिंग दैट आई हैव मेड एट द बैक, ब्राइटो भी कलेक्ट दिया है, थोड़ा सा लगा दिया है, एंड दिस आई हैव पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ टेबल, लेट मी जस्ट शो यू, आई हैव प्लेस्ड अ लिटिल टेबल जिसपे ये एक क्राउन रखा है उसके लिए फॉर द क्वीन एंड हर ब्राइड टू बी साशे, एंड वी हैव डन अ पिंक एंड ब्लैक थीम, शी विल बी वेयरिंग अ पिंक ड्रेस एंड वी ऑल विल बी वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, सो गाइस वेट फॉर आवर लॉक. आई हैव मस्ट मिस्ड वन थिंग, लेट मी शो यू, वी आर गोइंग टू पुट दीज बलून्स जो मैंने पहले से ही बुला के रखे हैं. सो दिस वॉज द फाइनल सेटअप दैट वी मेड, छोटा सा था, प्यारा सा था, बट बहुत अच्छा था. और अब होने वाली है उसकी एंट्री. आ जाओ अभी, ये है ब्राइड टू बी. तो उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती करी, ये मेरे को हरकतें करते हुए देखते हुए, देख रहे हो आप, मैंने केक कटिंग किया, वी हैड फूड, गुड फूड, गुड मूड, और बहुत सारी मस्ती करी. सो दिस वॉज इट गाइज, वी हैड अ लवली टाइम. और अगर ऐसा ही बहुत अच्छा कॉन्टेंट देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. लव यू.